छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हो। आज हम मेरी अभिलाषा है कविता को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम कवि परिचय देखेंगे। कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी सन 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिला का ग्राम रोहता में जन्मे थे। अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहला कविता संग्रह फूल और शूल, दूसरा खंड काव्य कौचवध सत्य की जीत, तीसरा बाल काव्य कृतियां वीर तुम बड़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सोने की कुलाड़ी, कातो और गाओ, सूरज सा चमकू में बाल गीतयां। इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया गया है। अभी हम कविता सुनेंगे। पहला प्यारा में सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, जलमल जलमल उज्जवल, तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है। इसके द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि वह सूरज, चंदा, तारों इनके जैसे चमक उठना या प्रकाशित होना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है, यानी The poet wants to shine like the sun, the moon and the stars. It is his desire. हम दूसरा पारा के ओर चलेंगे। फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है। कवि इस पारा के द्वारा कहना चाहते हैं कि वह फूलों से सुगंधित रहना चाहते हैं, पक्षियों के और कोयल के जैसा कुहकना यानी गाना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है, यानी पोएट वॉन्ट्स टू बी फ्रेग्रेंट लाइक फ्लावर्स एंड ही वॉन्ट्स टू साउंड लाइक बर्ड्स, ही वॉन्ट टू सिंग लाइक नाइटिंगेल, दिस इज हिज विश।
कवि तीसरा पारा में चाहते हैं कि नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। ही वॉन्ट टू टेक द प्यूरिटी फ्रॉम द स्काई एंड ही वॉन्ट टू टेक द कूलनेस फ्रॉम द मून एंड ही वॉन्ट टू टेक पेशेंस फ्रॉम अर्थ एंड ही वॉन्ट्स टू टेक द स्ट्रेंथ फ्रॉम द हिल्स। दिस इज हिज विश। इस कविता में कवि कहते हैं कि प्रकृति और मानव का अटूट संबंध है। मनुष्य, सूरज, नक्षत्र, फूल, कोयल, चांद, धरती आदि प्राकृतिक शक्तियों से ताकत, उत्साह, आनंद जैसी शक्तियों को पा सकता है। तो चलो बच्चों, हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।